गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्यू एंड ए सेशन नंबर 3। द चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड आई हैव रिटन डाउन 3 क्वेश्चंस ऑन दिस बोर्ड। द क्वेश्चन ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज बीइंग डन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। दिस हैज बीन डिस्कस्ड, दिस टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम हैज बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन and I think that I have not done any question where we have to find the least count of an instrument, so I have taken this question also. Now this question and this question, they have got a very big probability of getting asked in the forthcoming examination. ye inme se aapke question aa sakte hain, NEET ke examination mein to aa sakte hain, board ke bhi examination mein bhi aa sakte hain, बोर्ड की एग्जामिनेशन में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। एंड ऑल दीज थ्री क्वेश्चंस आर वेरी इजी। यहाँ पर हमको पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। तो वन ईयर में देर आर 20 डिविजन्स ऑन द वन ईयर स्केल विच इज कोइंसाइडिंग विद 19 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में नाउ आपको ये बताया कि जो लीस्ट काउंट होता है वन ईयर का, जिस इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिविजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, सो 1 मेन स्केल डिवीजन, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ये है। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, दैट इज 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिविजन्स। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 19 बाई 20 मेन स्केल डिवीजन। तो ये वाली वैल्यू हम जो है इसमें पुट कर देंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 19 बाई 20 मेन स्केल डिवीजन। इस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। सो लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.1 mm। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 20 माइनस 19 विच इज इक्वल टू 1 बाई 20 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये हो गया। तो इट इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 2 mm। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 mm। इट्स वेरी इजी, यू हैव टू यूज ओनली दिस फॉर्मूला। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। तो यहां पर क्या है कि हमें वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ काउंटिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन एनी नंबर, और वो रूल्स मैंने आपको लेक्चर 1 नंबर 1 में भी बता दिए हैं। बट सो आई विल बी जस्ट रिवाइजिंग ऑल दोज रूल्स वाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ आप देखेंगे कि पहला जो नंबर है मेरा वो है 0.007। सो एज पर द रूल दी इन एनी डेसिमल नंबर द जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, दैट इज जीरो ऑन द राइट साइड, zero on the right side of the decimal point and to the left of the first non-zero digit. जो seven है, this is a non-zero digit. So the zero, the zero on the left side of the first non-zero digit and the zeros on the right side of this decimal point, they are insignificant. तो ये आपके दो जो जीरोस हैं ना, ये वाले, ये आपके हो गए इनसिग्निफिकेंट। तो इसमें इस नंबर में खाली एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन केस ऑफ ए नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट द जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। तो इसी रूल को यूज करते हुए हमारा यहाँ पर जो आंसर आया है वो 1 है, दैट इज दिस नंबर हैज गॉट ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर। इसमें आ जाते हैं सेकंड में,
2.64 into 10 raised to the power 4, तो ये हो जाएगा आपका 2.64000, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी केजी में, ठीक है। नाउ द सेकेंड रूल इज इन केस ऑफ ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट, दी ट्रेलिंग जीरोस, यहां पे ये जो आपके ट्रेलिंग जीरोस हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसमें खाली ये जो तीन नंबर ये सिग्निफिकेंट हो गए, ये नहीं हो गए। द ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सो यहां पर जो हो गया इसकी आंसर हो जाएगी 3, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड नंबर ये है आपका 6.032, तो एक और रूल है कि द जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो ये जीरो देखिए आप 6 और 2 के बीच में है, ठीक है, ये दीज आर दी नॉन जीरो डिजिट्स, सो एज पर द रूल दिस विल ऑल्सो ऑल दीज 4 विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। सो 6.032 में आपके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, बिकॉज द जीरो इफ देयर इज एनी जीरो विच इज इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे यहां पर है ये आपका नॉन जीरो डिजिट है, ये भी आपका नॉन जीरो डिजिट है, तो उस केस में ये वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है थर्ड रूल है, दैट इज अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फाइनल 0.00060032, इसमें आपको अभी जो मैंने जस्ट बताया कि इन अ डेसिमल नंबर द जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ये फर्स्ट आपका नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट में ये हुआ, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारा जो सिग्निफिकेंट क्या है, एक तो ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है, ये हमारे 4 हो गए, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 4। एक और है, इसमें नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। लेट अस से 2.640, तो रूल क्या कहता है कि इन केस ऑफ ए नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, और यहां पे क्या था, इन अ नंबर विदाउट द डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, जहां पे भी डेसिमल है, कोई भी एक डेसिमल नंबर है, लाइक यहां पर 2.640, सो The trailing zeros in a number with a decimal point are significant. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे नंबर दो नंबर और सिग्निफिकेंट ये डिजिट्स हो जाएंगे 4, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो ये मैंने आपको इसी में ही बता दिया। बट ऑल दीज रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट्स वर डिस्कस्ड इन द लेक्चर नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, आई हैव डन अ सिमिलर क्वेश्चन इन द प्रीवियस सेशन एंड बट एनीवे आई एम डूइंग इट अगेन बिकॉज इसमें कई बार स्टूडेंट्स ने गलतियां की हैं, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग इट अगेन। तो यहां पर दिया हुआ है लेंथ विड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ शीट आर 4.234 1.005 एंड 4. ये मीटर है, दिस इज मीटर, ये भी मीटर है, एंड द थिकनेस इज 2.01 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है इन द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सो वॉल्यूम इन द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू थिकनेस। लेंथ हमारी दी हुई है 4.234, विड्थ है हमारी 1.005 मीटर और थिकनेस है हमारी सेंटीमीटर में, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे आपका
मीटर में, विच विल बी इक्वल टू, इसको हमने 100 से कर दिया, तो दिस दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.234 into 1.005 into 2.01, ये हो गया डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 2.01 into 4.34 into 1.005 ये हो गया डिवाइडेड बाय 100, तो दिस इज इक्वल टू 0.08555289, and then there are digits also. This is equal to in cubic meter. यहाँ पे सेंटीमीटर में था, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. So we have got the volume in cubic meter. ठीक है. Now, as per the rule for counting or counting the significant figures while carrying out the mathematical operation, the rule is that the final answer will contain the significant figures or the digits which will be equal to the least number of significant digits in any one of the multiplier. Now यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर significant figure कितने है? 3. यहां पर कितने है? 4. As per the rule, the zeros are included between the two non-zero digits. So यहां 4 हो गए, और यहां हम इसका निकालेंगे कितना होगा, 2.01 divided by 100. तो ये कितना हो जाता है आपका 0.0201. इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हुई, एज पर द रूल द जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज इनसिग्निफिकेंट. ये वाला इनसिग्निफिकेंट हो गया, ये तीन हमारे जो है आपके हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट. सो इस नंबर में भी हमारा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. ठीक है. सो हमारा आंसर क्या होगा, वी हैव टू फाइंड दिस आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नाउ यहां पर क्या है, वी विल बी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ में क्या करना है, ये आपका 9 है, इट इज ग्रेटर देन 5, तो अगर हम इसको 5 को, ये 9 को हटा देते हैं, तो ये वाला नंबर में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा प्रीसीडिंग नंबर में, दिस इज ग्रेटर देन 5. ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, तो हमारा जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 3. ठीक है, 3 इज लेस देन 5, सो इट्स कैन सिंपली बी ओमिटेड, ये हटा सकते हैं. ठीक है, अब हमारा यहाँ पे 5 है और 5 है और 8 है. नाउ इसमें हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए, एज पर द रूल इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट द जीरो ऑन द राइट साइड of the decimal and to the left side of the first non-zero digit are not significant. So ye significant nahi hoga. Isme kitne se hamare significant digits ho gaye, 3. So hame answer nikalna hai 3 mein. Theek hai, so which is equal to, to hamara answer kya ho jayega, that is equal to 0.0855 cubic meter. So this is the answer in the correct significant figure. ये आपका आंसर होगा. दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द आंसर इफ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स. ठीक है, दिस वॉज दिस सिमिलर क्वेश्चन वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, बट हाउ एवर
because there were some students who were finding it difficult, or they have made some mistake while calculating the correct significant digits. So that, so therefore I thought it wise to discuss this problem once more. Now I have got a question right now here with me. This is a good question, and I will just write it down here. The question says, a famous relation in physics. The question is, a famous relation in physics. Relates moving mass m and moving mass m to the rest mass. इसको यहां इन्होंने m0 लिया हुआ है ऑफ ए पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड इन terms of its speed and the speed of light and the speed of the light. ठीक है, speed of the light c. ठीक है. A boy recalls the relation almost correctly. A boy recalls the relation almost correctly. But forgets where to put the constant C and forgets to put the and forgets to put the C in the equation. C is the velocity of light. Now the question is, guess where we should put the missing C. Guess where we should put the missing C in the equation. In the equation, M is equal to M0 divided by under root 1 minus in terms of the speed v. In terms of the speed v, sorry, minus v square under root हो गया. ठीक है. So ये एक famous relation है in physics which relates a moving mass to the rest mass of a particle in terms of its speed. यहाँ पे v है and the speed of the light.
एक नाउ अ बॉय हैज रिटन डाउन दिस इक्वेशन वेयर ही हैज फॉरगॉटन टू पुट द वैल्यू ऑफ सी इन दिस इक्वेशन. कहीं ना कहीं पे सी जो है ना इस इक्वेशन में है, बट वो ही हैज फॉरगॉटन टू पुट द दिस वैल्यू ऑफ सी इन दिस इक्वेशन. तो आंसर क्वेश्चन में ये है कि गेस वेयर वी शुड पुट द मिसिंग सी इन दिस इक्वेशन. तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और यू कैन से दैट इन डायमेंशन एनालिसिस व्हाट वी डू इज वी इक्वेट द डायमेंशन ऑफ द इक्वेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड. एन इक्वेशन इज सेट टू बी करेक्ट इफ इट इज डायमेंशनली द सेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड. अगर कोई एक इक्वेशन है, मैं फॉर एग्जांपल एक लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है. तो यहाँ क्या होना चाहिए कि दिस इक्वेशन विल बी करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द रिस्पेक्टिव डायमेंशन ऑफ मास, वेलोसिटी एंड दिस रेडियस. अगर इनके इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है और इसका डायमेंशन अगर दोनों के बराबर हो जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये वाली इक्वेशन करेक्ट है. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है. सो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और यू कैन से एज पर द डायमेंशनल एनालिसिस द डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. तो अब हम इसको बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है बट एंड इस प्रकार का भी क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है. तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है. इट मे नॉट बी द सेम क्वेश्चन बट अ सिमिलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. सो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर m इज इक्वल टू लिखा है तो अब आप ये काम कर सकते हो कि m, मैं क्या करूंगा, m को ये m जीरो है ना, इसको मैं नीचे ले लूंगा, ठीक है. अभी क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर, ठीक है. और अब हम ये काम भी कर सकते हैं कि नाउ इसको मैं आई विल जस्ट व्हाट आई विल डू इज दिस इज कैन आल्सो बी रिटन एज इट इंप्लाइज दैट एम जीरो अपॉन एम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर, नो इश्यूज. यहाँ m अपॉन एम जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर है, तो मैंने इसको कैसे लिख दिया है, m जीरो अभी ऊपर कर दिया है, m नीचे आ गया, सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर. नाउ डायमेंशनली द लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डायमेंशन लेस है, ये मास है, ये भी मास है, इसका डायमेंशन क्या है, मास है, इसका डायमेंशन भी मास है. तो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज डायमेंशन लेस. ठीक है, दो ऊपर भी m, द डायमेंशन ऑन दिस न्यूमरेटर इज m, यहां पे डिनोमिनेटर में भी m है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका डायमेंशन लेस हो गया. अगर ये डायमेंशन लेस है तो राइट हैंड राइट साइड वाला भी आपका. सो अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर जो है हमारा ये वाला जो पार्ट है, दैट इज, और यू कैन से दैट द पार्ट ऑफ द इक्वेशन ऑन द राइट साइड, पार्ट ऑफ द, और यू कैन से इक्वेशन ऑन, पार्ट ऑफ द इक्वेशन equation on the right side should be dimensionless. ये भी आपका dimensionless होना चाहिए. अगर दोनों तरफ आपके हाँ, अगर ये right side वाला भी dimensionless हो गया तो आपका ये equation correct हो जाएगी. तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये तो v है, ये velocity है, ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, ठीक है, एल टी माइनस वन इसका एक डायमेंशन है. ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डायमेंशन लेस है, बिकॉज यहाँ एम है, ऊपर भी एम है, नीचे भी एम है, तो दिस विल बिकम डायमेंशन लेस. बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायमेंशन है, इस जो आपका राइट हैंड साइड है, जो इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, इसमें
आपका इट हैज गॉट डायमेंशन, क्योंकि वी हैज गॉट अ डायमेंशन ऑफ एल टी माइनस वन। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसमें अगर आप ध्यान से देखना, अगर मैं v इसको यहां लिख दूं 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर, अगर मैंने यहां लिख दिया तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दिस वन, ये वाला पार्ट बन जाएगा डायमेंशनलेस, बिकॉज सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी वेलोसिटी है, ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो दोनों के डायमेंशन बराबर हो गए, ठीक है। वी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, ठीक है, एंड सी का भी जो डायमेंशन होता है वो एल टी माइनस वन है। तो यहां का ये वाला अगर मैं इसको डिवाइड बाय सी स्क्वायर कर दूं तो ये वाला पार्ट दैट इज वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो है उसका दोनों के डायमेंशन सेम हो जाएंगे, दैट इज वी स्क्वायर का जो डायमेंशन और सी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो सेम हो जाएगा। एंड जब ये सेम हो जाएगा तो ये वाला जो राइट साइड वाला पार्ट है वो आपका डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन लेस हो गया और राइट साइड वाला भी डायमेंशन लेस हो गया। वेन वी जस्ट पुट दिस सी स्क्वायर इन दिस मैनर, ठीक है। सो मेरा गेस वेयर वी शुड पुट द मिसिंग सी इन द इक्वेशन, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, दैट इज एम जीरो अपॉन एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट नाउ, ठीक है। एंड सो वेयर वी हैव टू पुट सी, वी हैव टू पुट सी हियर, ठीक है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो हमें सी यहां पर पुट करना, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू दिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहां पर क्या है, यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और डायमेंशनल एनालिसिस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि यू हैव टू इक्वेट द डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेजन, एंड और यू कैन से दैट द डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेजन शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेजन। सो इस प्रकार से हमने इसको किया है, एंड वी हैव फाउंड द एरर दैट द बॉय शुड हैव रिटन एज दिस इक्वेजन एज दिस एम जीरो अपॉन एम विल बी इक्वल टू वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको यहाँ लगाना था, और वी कैन राइट सिंपली से दैट अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, एम जीरो विल बी इक्वल टू एम अंडर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये हो गया। और वी कैन से अगर हमें आई हैव रिटन दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ दैट इज आई हैव इक्वेटेड एम जीरो इक्वल टू एम, अगर आपको एम करना है तो आप इसको भी आप चेंज कर सकते हो, सो एम विल बी इक्वल टू व्हाट, एम विल बी इक्वल टू एम जीरो अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो सी जो है यहाँ पे यूज यहाँ पे हमें लगाना होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आई हैव सिंस आई हैव नॉट discussed the question on the parallax method, so that's why I have taken it here. So when the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers, question is when the planet Jupiter is at a distance of 824.7
million kilometer million kilometer from the earth. Its angular diameter is its diameter is 35.72 seconds. Find the diameter of the Jupiter. Find the of Jupiter. So यहां पर हमें when the planet Jupiter is at a distance of from the Earth, Earth of ये Jupiter है मान लो, ये हमारा Earth हो गया, ठीक है, तो हमें इसका diameter निकालना है. ये आपको जुपिटर है, अब ये अर्थ है. नाउ इट इज सेइंग दैट द एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डायमीटर मींस द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ दैट प्लैनेट दिस इज द डायमीटर हो गया. लेट्स से इसको हम ए बी ले लेते हैं और अर्थ का ये पॉइंट ले लेते हैं ओ. ये हो गया, ये अर्थ हो गया ई, ठीक है. सो ये जो एंगल है ना, ये वाला 35.72 ये है आपका सेकेंड्स, ठीक है. तो दिस इज द एंगुलर डायमीटर, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ दिस जुपिटर एट द अर्थ. सो अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वी विल बी यूजिंग इन द पैरेलेक्स मेथड. Now, parallax method is basically used to find the distance of very, 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 very far objects. Distance or the diameter. We can also find the diameter of that particular object which is very, very far from the Earth or any other planet which is under consideration. So, ये जो diameter है इसका, let us say इसको मैं लिख लेता हूँ, S ले लिया, ये मैंने R ले लिया, ठीक है, which is the distance of this planet from the earth, ठीक है, ये भी दिया हुआ है हमें. सो पैरेलेक्स मेथड के हिसाब से क्या होता है कि s जो है दैट इज इक्वल टू r इंटू थीटा. ये जो थीटा है ये आपका होता है रेडियंस में, ये इंपॉर्टेंट चीज है. नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये आपको याद रखना है. एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 मिनट इज इक्वल टू, एक मिनट में हमारे 60 डिग्रीज होते हैं, ठीक है, एक मिनट में. सो यहां पर हमारा क्या है, दिस इज द एंगुलर डायमीटर, दिस इज द थीटा विच इज 35.72 सेकेंड्स है. सो एक मिनट में, सॉरी व्हाट आई हैव जस्ट, मैंने इसको उल्टा लिख दिया, 60 मिनट्स में एक डिग्री होता है. आई हैव जस्ट रिटन इट रॉन्गली, अभी गलत लिख दिया, तो उल्टा लिख दिया था मैंने. तो 60 मिनट्स में एक डिग्री होता है, तो मेरा 60 मिनट्स में हमारे मिनट कितने होगा, 60 मिनट्स में सेकंड्स कितने होगा, 60 × 60 ये सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है. सो मेरा इट इम्प्लाइज दैट 1 सेकंड मेरा कितना हो गया, 1/3600 degrees, ठीक है. 1 सेकंड जो हो गया वो मेरा हो गया, अब 3600. अब हमारा ये हो गया डिग्रीज में, मेरे को कन्वर्ट करना है, बिकॉज इन दिस इन द पैरेलेक्स मेथड वी यूज दिस फॉर्मूला विच इज इक्वल टू एस इक्वल टू आर थीटा, जो मैं आपको मैंने यहाँ बताया है,
where theta has to be in radians. So अभी मेरे को degree को जो है ना radians में convert करना, ना हमें यहाँ देखा है कि 180 degree is equal to pi radian है, तो एक degree कितना हो जाएगा, pi by 180, तो ये हो जाएगा मेरा 1/3600, 1 degree होता है मेरा pi by 180 हो जाएगा, pi by 180 या हो गया radians में, ये हो गया रेडियंस में, और ये है आपका 1 सेकेंड. सो 35.72 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3600 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 35.72 रेडियंस. ठीक है, सो यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपको इंपॉर्टेंट हो गया, एंड द थर्ड थिंग दैट इज 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री. ये आपके लिए ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो नाउ फाइनली वी हैव अराइव्ड एट दिस पॉइंट. यहां पर हो जाएगा आपका अब इसको मुझे निकालना है कि 35.72 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन. तो इसको हमें निकालना है, तो इसमें हमें क्या करना, पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, लिख लेते हैं ऐसे 1/3600 इंटू 22/7 इंटू ये आपका इंटू ये 1/180 रहेगा इंटू 35.72 है ना. तो इसको हम भी मैं उस कैलकुलेटर से इसको एक बार इसका आंसर निकालते हैं, 22 इंटू 35.72 इंटू 35.72 विच इज इक्वल टू 785.84 785.84 डिवाइडेड बाई 3600 है, तो 3600 इंटू 7 इंटू 180 विच इज इक्वल टू 4536 4536 सो नाउ वी विल फाइंड द आंसर, दैट इज 785.84 डिवाइडेड बाय 4536 4536 000, that is equal to 1.732, that is 1.732 into 10 raised to the power minus 4 radians. So 35.72 seconds is equal to 1.732 into 10 raised to the power minus 4 radians. आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली. अब आते हैं, जब थीटा की वैल्यू निकाल ली, अब मेरे को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s. s हियर इज द डायमीटर, सो s इज इक्वल टू r into थीटा, r into थीटा, r दिया हुआ है 824.7 million. Million, which is equal to 1.732 into 10 raised to the power minus 4 kilometers. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, ये मैंने इसको किलोमीटर में करो ना, इसी 824 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 10 लाख. ठीक है, तो ये मैंने ये 10 लाख दे दिया, 10 लाख मीन दैट इज इक्वल टू 10 1 2 3 4 5 6, दैट इज इक्वल टू 824.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 into 1.732 into 10 raised to the power minus 4 kilometer. S की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
अब हमें मल्टीप्लाई करना है, एक मिनट, यस, 824.7 इंटू 1.732, विच इज इक्वल टू 1.428 इंटू 10 raised to the power 6 एंड यहाँ पर 2 हो जाएगा। आई थिंक आई हैव मेड सम मिस्टेक राइट नाउ, इतना कम डायमीटर नहीं हो सकता। See, 1 million, 1 million is equal to 10 lakhs, 10 lakh into 1 lakh, 1 lakh. So this is equal to 10 into 1. 1 lakh में हमारे कितने जीरो होते हैं? 5. So I think I have written it correctly. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that is absolutely correct here. So as per this question, the answer is coming out to be 1,428 kilometer, which is not correct. The answer is the diameter of this Jupiter is much more than this answer. I will have to just see it here whether there is some error in the question. This answer, there is a problem here in the question. I think it should not be in millions. Because if it is in millions, then the answer is 1,428 kilometer, and this diameter of the Jupiter is, this is not the diameter of the Jupiter. The diameter of the Jupiter is much more. I think it is approximately, it's more than 14,000. The diameter of the Jupiter is, I think, यहाँ पे 1-2 zero और होने चाहिए. इससे कम नहीं है. Means approximately it's more than 1 lakh kilometer. So that is why here the answer is. We have got the answer as 1,428 kilometer, and I think that we have not made the mistake in the calculation as per the values given in the question here. We have this is absolutely correct. This is absolutely correct. We have converted this million kilometers, million this 824.7 million kilometers in kilometers. Million की जगह पे मैंने 10 lakh लगा दिया. ठीक है, तो ये हो गया इंटू 1.732 इंटू 10^-4 किलोमीटर हो गए. सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर आ गया, ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 6 हो गया. तो माइनस इट ये स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. सॉरी आई थिंक नो ओके, आई हैव मेड वन मिस्टेक हियर. आई हैव मेड द मिस्टेक, आई गॉट द आंसर. सॉरी, ओ एस इज इक्वल टू, this is 824.7 into 1.732, so this is equal to 1,428.38 into 10 to the power square. ये आया. Now this is the correct answer. So s is equal to, आप इसको करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1,428.38 kilometers. This is the correct answer. Yes. Okay.
because here now the diameter of the Jupiter, it is 142,838 kilometers. So this is how we solve this question. हमने यहाँ भी गड़बड़ी कर दिया था कि इसको 824.7 इनटू 1.732 को मैंने लिख दिया था 1.428, एक्चुअली इट इज 1,428.38, ठीक है. तो दिस इज हाउ, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 1,42,838 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट, आपको क्या है यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू शुड नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, पहला चीज. 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. और दैट पैरेलेक्स का जो फॉर्मूला वो तो आपको मालूम होना ही चाहिए. हाँ, इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि थीटा जो है वो आपको रेडियंस में होना चाहिए. डिग्री में अगर आता है तो आपको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, ठीक है. सो नाउ आई हैव गॉट वन मोर क्वेश्चन, तो उसको भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं. इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दी 1-8 कैलिपर. क्वेश्चन इज वेरी इजी. द क्वेश्चन इज The question says the main scale of a vernier reads in millimeter. I will write the question in very small. Main scale of a vernier, main scale of a vernier reads in millimeter. Reads in millimeter. First line, vernier and its vernier division is divided into 10 divisions which coincide 10 divisions on vernier scale coincides with 9 divisions on main scale. Coincide means equal, so it is equal, that 9 is equal to 9 divisions on main scale. Okay, so ये हो गया. सो हमारा ये आपका सेकेंड पॉइंट था. वेन द टू जॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टच ईच अदर, जो वर्नियर के दो आपके जो जॉज होते हैं जो आपस में टच कर रहे हैं, वेन टू जॉज टच ईच अदर, द सेवेंथ डिविजन ऑफ द वर्नियर स्केल, सेवेंथ डिविजन सेवेंथ डिविजन ऑफ, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद अ मेन स्केल डिविजन. मेन स्केल डिविजन, ठीक है. एंड द जीरो ऑफ द वर्नियर लाइज ऑन द राइट साइड एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द lies on the right side of the zero on the main scale. When a cylinder is placed between the jaws,
the zero between the jaws the zero of the vernier scale lies to the left of lies slightly to the left of 3.2 centimeter and the fourth vernier division coincide with the scale and the fourth in question mein to yahi problem hai ki जो दैट कॉन्टेंट है ये काफी ज्यादा हो जाता है एंड द फोर्थ वर्नियर डिविजन कोइंसाइड्स विद द स्केल डिविजन विद द मेन स्केल डिविजन मेन स्केल डिविजन Calculate the measured length of the cylinder. Length of the cylinder is what? Simple. Length of cylinder हमें निकालना है. ये हमें निकालना है. ठीक है. Now, main scale of a vernier caliper reads in millimeter. 10 divisions on the इसमें एक और point था. The vernier scale has got 10 divisions. Vernier scale has 10 divisions. ऐसा भी लिखा हुआ था. And 10 divisions on vernier scale is equal to 9 divisions on main scale. जब दोनों jaws आपस में touch होते हैं, तो 7 division of the vernier scale is coinciding with the main scale division and the zero of the vernier scale. Vernier scale का जो zero है, it is lying on the right side of the zero of the main scale. Now, when the zero of the vernier scale is lying on the right side of the zero of the main scale. माने zero का जो main scale है, उसके right माने इधर इस तरफ है, on the right side. Then zero error क्या होगा? Positive हो जाएगा. Zero error is positive. अगर zero error positive है, then we have to apply the negative zero correction. And zero correction क्या होता है? Zero correction is equal to least count into the यहां पे लिखा होगा देखिए दैट इज लीस्ट काउंट इनटू द दिस वर्नियर कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन सो कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन ठीक है कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन सो जीरो एरर सॉरी दिस जीरो करेक्शन विल बी इक्वल नाउ एमएस मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर रीड्स इन एमएम मतलब ये हो गया कि एक डिवीजन मेन स्केल का जो है वो आपका हो गया 1 mm ठीक है ये भी हो गया सेकेंड थिंग आपका यहां पे जो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा आपका इस वर्नियर स्केल का 1 mm बिकॉज यहां पे लिखा हुआ है आपका सॉरी द मेन स्केल ऑफ वर्नियर रीड्स इन mm 10 ये हो गया हाँ एक मिनट हाँ तो मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर रीड्स इन एमएम सो मेरा इसका लीस्ट काउंट हो गया आपका 1 mm इनटू द सॉरी अगेन गलती हो गया मेन स्केल रीडिंग हो गई दैट इज 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm एंड वर्नियर स्केल हैज गॉट 10 डिविजन्स यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ये भी एक पॉइंट लिखा हुआ था कि द वर्नियर स्केल हैज गॉट 10 डिविजन जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं है वर्नियर स्केल has got 10 divisions ये भी एक पॉइंट था ठीक है तो अब हमें निकालना है एलसी और लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज इक्वल टू अपॉन 10 हो जाएगा तो ये आपका लीस्ट काउंट हो गई 1 दैट इज इक्वल टू 0.1 mm तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू 0.1 mm तो जीरो करेक्शन क्या हो गया 0.1 इनटू द कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल
division, that is equal to 7. So zero correction will be equal to 0.7 mm, and this will be ये क्या करेंगे, दिस विल बी अ नेगेटिव जीरो करेक्शन. सो नाउ अब मैं इसको पूरा यहां मिटा देता हूं और फिर से लिख देता हूं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वन दिस डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल व्हिच इज इक्वल टू 10. ये हो गया 0.1 mm. जीरो करेक्शन इज इक्वल टू एल सी दैट इज 0.1 इंटू दी कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन 7 है, 0.7 mm हो जाएगा. नाउ हमें निकालना है द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो यहां पर हमारा हो गया, हाँ जीरो है. हाँ, व्हेन अ सिलेंडर इज प्लेस बिटवीन द जॉ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2. अब 3.2 सेंटीमीटर लाइज स्लाइटली टू द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ 3.2 सेंटीमीटर. ये ऑन द मेन स्केल होगा, ऑन द मेन स्केल. अब मेन स्केल में आपकी जो ग्रेजुएशन है वो mm में है. अगर 3.2 है, मान लीजिए ये आपका 3.2 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यह आपका होगा अगला जो इसका पहले वाला जो ग्रेजुएशन है वो क्या होगा, 3.1. तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग विच इज इक्वल टू एम प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो करेक्शन. जीरो करेक्शन माइनस क्यों होगा, बिकॉज जीरो एरर इज पॉजिटिव. सो मेन स्केल रीडिंग क्या हुई, 3.1 प्लस वर्नियर, यहाँ पे कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल के फोर्थ डिवीजन, 4 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.1 माइनस 0.7. तो क्या हुआ, 3.1 प्लस 0.4 माइनस 0.7. 0.7 क्या है, जीरो करेक्शन है. ये माइनस इसलिए लगाया बिकॉज ये जीरो एरर मेरा पॉजिटिव था. तो ये हो गया 3.5 माइनस विच इज इक्वल टू 2.8. सॉरी, ये आपका है दिस इज इन सेंटीमीटर ना, ओ सेंटीमीटर में है. सेंटीमीटर में है 3.1 विच इज, अगर हम इसको मिलीमीटर का तो 31 हो जाएगा. प्लस द वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है मेरी, वो थी 4 इंटू लीस्ट काउंट कितना था 0.1 माइनस जीरो करेक्शन था 0.7. तो दैट इज इक्वल टू 31 प्लस ये mm में हो गया 0.4 माइनस 0.7. ये दैट इज इक्वल टू 31.4 माइनस 0.7. तो अगर हम उसको 0.7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 0 30. दिस इज इक्वल टू 30.7 मिलीमीटर, और वी कैन से इन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा 3.07 सेंटीमीटर. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर we will now shift to the second chapter, that is motion in the straight line, and we will be taking those important questions which has been asked in the last 30 years, and probably that chapter will be complete in 3 sessions. So thank you very much for joining, and have a nice day.